बने हुए हैं। सर, सबसे पहले रिएक्शन तो आपसे यही लेना चाहेंगे कि अब मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं रहे, हालांकि देश भर में किस तरह से शोक की लहर देखी जा रही है, उसकी वानगी और तस्वीरें लगातार सुबह से टीवी स्क्रीन पर। निश्चित तौर से ये केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक धरती पुत्र थे, संघर्षों का प्रतीक थे, जनरल रिलीफ प्रदर्शन की उपज है, वो पहली जनरेशन के राजनीतिक हैं। आज उनके घर में उनके संघर्ष से उनके घर में 6-7 एमपी रहे और तीसरी पीढ़ी के तेज प्रताप सिंह जी भी मैनपुरी से सांसद रहे, लेकिन उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली थी, विरासत में कुछ बीघे जमीन और खेती मिली थी, लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक अगर कोई पहुंचा है तो वो पहुंचे हैं, लगभग सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर वो रहे हैं, कई बार एमएलए, कई बार एमपी, लोकसभा में भी रहे, वो विधानसभा में भी रहे, विधान परिषद में भी रहे, राज्यसभा में जाना कभी उन्होंने पसंद नहीं किया, वो कभी राज्यसभा में नहीं रहे, वो आते थे। 80 साल से उनसे सतत संपर्क में रहा हूं, तो एक बार 1980 के विधानसभा के चुनाव में मिनिस्टर रहते हुए बलराम सिंह यादव से चुनाव हार गए थे, तो चरण सिंह जी ने उनको एमएलसी बनाया और लीडर अपोजिशन विधान परिषद बनाया। 85 में वो पुनः जीत के आए, लीडर अपोजिशन विधानसभा रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे और उसके बाद सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए, तो वो राज्यसभा में उन्होंने कभी नहीं आना पसंद किया। और मुझे लगता है कोई गैप नहीं है, कम लोगों को पता होगा कि 1991 में जसवंत नगर का से एमएलए का चुनाव लड़ते हुए शेषन जी ने इटावा लोकसभा उसके नीचे की 5 विधानसभाओं को काउंटर मार्क कर दिया था, तो 6 महीने वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे। 6 महीने बाद वो बाई इलेक्शन हुआ इटावा लोकसभा का, तो उसमें जसवंत नगर विधानसभा से वो चुनाव जीते और तिलहड़ से जीते, तो ये 4-5 महीने विपक्ष में बेनी प्रसाद वर्मा पार्टी के नेता रहे सदन में, तो मुझे लगता है 8 या 9 बार एमएलए, और कम लोगों को पता होगा कि वो एमएलए जसवंत नगर से रहे, एमएलए गुन्नौर से रहे, एमएलए सहसवान से रहे, एमएलए तिलहड़ से रहे, एमएलए निधौली कला से रहे, एमएलए सुखाबाद से रहे, इन अलग अलग विधानसभाओं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मैनपुरी से रहे, कन्नौज से रहे और संभल से रहे और इसके बाद आजमगढ़ से रहे, तो सभी उत्तर प्रदेश में संगठन में वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, खुद की बनाई पार्टी बनाई और उसको सरकार में तब्दील 6-7 महीने में किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव जी और बनारसी दास जी के मंत्रिमंडल में पॉपुलर मिनिस्टर रहे, सीएम रहे, कई बार सीएम रहे, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे, तो लीडर अपोजिशन विधानसभा रहे, लीडर अपोजिशन विधान परिषद रहे, तो कुल मिलाकर के और लोहिया की पीढ़ी के अब वो लगता है मुझे अंतिम 2-4 लोगों में से एक थे, क्योंकि मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि इटावा लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती थी, इटावा, जसवंत नगर, भरतना, विधुना, जीतमल और लखना, जिसकी 2 विधानसभाओं के लोहिया जी कन्नौज से होते थे, तो जिला योजनाओं में लोहिया जी भी बैठते होंगे, मुलायम सिंह विधायक के रूप में बैठते थे। लोहिया जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद चरण सिंह जी जो कांग्रेस से आए, उन्होंने बीकेडी बनाई, तो बीकेडी से एमएलए रहे, फिर वो लोकदल से रहे, फिर भारतीय लोकदल से रहे, फिर जनता पार्टी में आपातकाल में जेल गए, फिर जनता पार्टी से रहे, फिर उसके बाद दमकेपा में रहे, उसके बाद आपने देखा होगा कि जनता दल बना, उसमें सीएम रहे, फिर जनता दल टूटा, जनता दल आ और बा रहा, अजीत सिंह का रहा, बाणा जी का रहा, उसमें वो पार्टी का अध्यक्ष रहे, उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी उन्होंने बनाई और उसके बाद समाजवादी पार्टी बनाई, तो एक लंबी फेहरिस्त है उनके संघर्ष की। तो लोहिया की पीढ़ी में मधु दंडोते, मधु लिमे साहब, जॉर्ज फर्नांडीज रहे और आप देख रहे होंगे मोहन धारिया जी, शरद यादव जी हैं, रामविलास पासवान हैं, लालू यादव जी हैं, कर्पूर ठाकुर थे, बिजू पटनायक साहब थे, जनेश्वर जी थे, मोहन सिंह जी थे, तो लोहिया के साथ, लोहिया को देखा बहुत लोगों ने होगा, लेकिन मुलायम सिंह जी उन लोगों में से हैं जो एक ही जिले में से, जैसे मैं आगरा का एमपी हूं, राजकुमार जी फतेहपुर सीकरी के, हमारा दोनों का जनपद आगरा है, ऐसी मुलायम सिंह जी जसवंत नगर से मिले थे, लोहिया जी कन्नौज से एमपी थे, लेकिन इटावा जिले की भरतना विधुना विधानसभा से वो रहते थे, तो उनके पास निजी संस्मरण थे, इसीलिए वो कहते थे कि लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के हिमायती थे, आप एक भी फोटो उनका पैंट शर्ट में नहीं ढूंढ पाएंगे,
वो जीवन भर कुर्ता धोती पहनते रहे, दाल रोटी सब्जी चावल ही खाते थे, कभी वो इटालियन खाना नहीं खाते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं खाते थे, और लोक भाषा हमेशा उन्होंने हिंदी में बात की है। आप कभी चार वाक्य अंग्रेजी के बोलते हुए नहीं सुनोगे ये। और आपके दर्शकों को बता दूं कि आजकल परसेप्शन है कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी के मायती होते, नहीं। श्री मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट थे, एमए पॉलिटिकल साइंस में, और एलटी थे, इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं, लेकिन बीए में उनके पास जनरल इंग्लिश थी और उस जमाने में अंग्रेजी में पास होना कठिन होता था। तो चूंकि वो कहते थे कि अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, हिंदी बढ़ाओ आंदोलन से आए वो, इसलिए वो अपने जीवन में लोक भाषा में ही हमेशा हिंदी में बात करते थे। चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहनी चाहिए वो करते थे। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, सरकार जाने के बाद सरकारों को हिला दिया करते थे, और इसके बाद आप देखो कि आंदोलन में वो कहते थे कि मानेंगे भी नहीं वो मारेंगे भी नहीं। तो उनके धरना लीली प्रदर्शन में हिंसा नहीं हुआ करती थी, जेल भरो आंदोलन करते थे। माया त्यागी कांड में एक यूपी में स्टेट लेवल पर जेलों में रहा, खाद बिजली पानी डीएपी यूरिया किसान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे वो। बल्कि मुझे लगता है कि जेपी आंदोलन के बाद नेता अगर किसी ने बनाए हैं तो मुलायम सिंह जी ने सबसे अधिक कार्यकर्ताओं को एमएलए एमपी में कन्वर्ट किया। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपने यहाँ पर जिक्र किया, और बहुत महत्वपूर्ण बातों का सीधा यहाँ पर जो दर्शकों का ध्यान है वो खींच रहा, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो वाकई में किसी को नहीं पता, और ऐसे में आपने वो साझा की। लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे कि जो 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, मुलायम सिंह यादव ने उस दौरान स्थापना की थी, बतौर रक्षा मंत्री भी उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो देश के हित में लिए, भारत के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी उसको भी अलग तरह की दिशा और दशा दी है। तो ऐसे में आज के समय में बिना मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी कैसे अपने आप को सवार पाएगी, क्योंकि आज का दौर वो है जब समाजवादी पार्टी के साथ साथ अलग अलग तरह की विचारधारा की जो राजनीतिक दल हैं वो जुड़ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव ने बतौर समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक विचारधारा के साथ अपनी पार्टी को बखूबी यहां पर संजोते हुए नजर आए थे। किसी भी दल में जोश और होश ये दोनों का एक अनुपात होना चाहिए। तो उनके दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव, 8-10 बार एमएलए होना, 7-8 बार एमपी होना, पार्टी का संगठन चलाया, लीडर ऑपोजिशन रहे, मंत्री रहे, राज्य में, केंद्र में, तो ये बड़े अनुभव हैं और अनुभव काम आते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलता है, और जोश होना चाहिए वो यूथ में होता है। दूसरी बात यह है कि गार्जियन होता है, उनकी उपस्थिति ही मनोबल को बहुत बढ़ाया करती है, और अनुभव के आधार पर बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक उचित समय नहीं है कि 2024 की हम चर्चा करें, लेकिन निश्चित तौर से पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम पैदा होगा, और खास तौर से समाजवादी आंदोलन को एक बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि लोहिया और जेपी और आचार्य नरेंद्र देव की पीढ़ी के ये लोग हैं। एक समय आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुलायम सिंह होते थे, हरियाणा में देवीलाल होते थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर होते थे, और उड़ीसा में बिजू पटनायक साहब होते थे। ये सभी लोहिया और चरण सिंह के स्कूल से पढ़ के यहाँ तक आए। बिल्कुल, इस बीच एक रिएक्शन सर इस पर भी मैं आपका लेना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए तमाम तरह की राजनीति को लेकर तस्वीरें सामने आती है, मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, इस वाक्य को साफ तौर पर क्या ये समझा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने उसे परिपूर्ण किया है, क्योंकि चाहे कितने भी आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष या विपक्ष पार्टी के यहाँ पर लगे रहते हों, मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी बेशक से कई तरह की महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जाती हों, या फिर सत्ता विपक्ष पक्ष पर किसी भी तरह का आरोप का जो बड़ा निशाना था, उस जुबानी जंग यहां पर तेज होती हुई नजर आई, लेकिन जो सीधे तौर पर रहा है मनभेद की जो स्थिति थी वो कभी नहीं पनपी, और शायद एकमात्र यही वजह है जो आज देश भर में हर दल का नेता या फिर छोटा छोटा कार्यकर्ता भी उनको याद कर रहा है। मैं एक बात और देखता हूं कि संसदीय इतिहास में बहुत कम लोग उनको नाम से पुकारते थे। प्रधानमंत्री जी भी, कई प्रधानमंत्री जीओं के साथ मेरा 6वां कार्यकाल है, ये
लोकसभा राज्यसभा विधानसभा का, तो लोग भी उनसे, उम्र के बड़े लोग, उनसे पद में बड़े लोग भी उनको नेताजी कहते थे, ये पॉपुलर थे। दूसरा आपने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, राजनीतिक शिष्टाचार के वो अपने आप में एक संस्थान थे। बिल्कुल। अगर वो मतभेद और मनभेद नहीं रखते थे, मतभेद तो आप देखो कि उनके हम भी राजनीतिक शिष्य हैं। मुलायम सिंह जी की पत्नी साधना जी की मृत्यु होने पर मैं लखनऊ गया, अगर वो लोगों को मिलना अलाउड करते तो लाखों लोग समाजवादी पार्टी के लोग इस दुख में उनके साथ रहते। उन्होंने अलाउड नहीं किया था, लेकिन मेरा फोन जाने पर उन्होंने बुलाया, मैं ड्राइंग रूम में बैठा तो बेडरूम में बुलाया, बेडरूम में गया तो सोफे में बैठा तो पलंग पे बुलाया। वो फोटो फेसबुक से आप निकालेंगी, मेरे पिछले 4 महीने में तो निकलेगी। फिर स्वास्थ्य पूछा कि तुम वजन बहुत अपना बढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करता हूँ। अरे भाई किया करो, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। देखो मैंने अपना वजन कभी नहीं बढ़ने दिया, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अभी आप देखा होगा कि करहल के चुनाव के बाद पार्लियामेंट के गेट नंबर 12 पे आमना सामना हो गया, तो उन्होंने, मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े हो। तो ऐसे में महाभारत याद आती है कि अभिमन्यु मारा जाता है लेकिन मारने वाले लोग भी के आंखों में आंसू होते हैं, कर्ण मारा जाता है तो लोग शोक करते हैं, तो कच्छ पर ब्रह्मांड चला लेकिन उसकी वीरता के चर्चे हुए। तो ये राजनीतिक शिष्टाचार उनके अंदर हमेशा रहे। मैं आपको एक बात और बता दूं, पता नहीं मैंने अभी आपसे वो अंग्रेजी वाली बात कही है या नहीं कही है कि लोक भाषा लोक भोजन लोक भूषा के भाई थे। एक बात और बता दूं कि वो जब मुख्यमंत्री होते थे तो वो जब लोग विपक्ष के एमएलए और एमपी या कार्यकर्ता मिलते थे तो वो उनका जायज काम कर दिया करते थे, बल्कि जायज नहीं, वो ये कहते थे कि अगर तुम्हारा बेटा है और बेटी है, जीजा है और साला है, दामाद है, तो आपका काम करेंगे। आप राजनीतिक व्यक्ति हो, अपने घर में क्या मुंह दिखाओगे? आपकी बहन का जीजा का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो आपकी बहन कहेगी, आपके साले का नहीं हो रहा तो आपको घर में प्रॉब्लम आएगी कि बहुत बड़े नेता होते हुए ये काम नहीं किया। तो उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता ये रखी है कि वो पॉलिटिशियन को एक बिरादरी मानते थे, कम लोग इस बात को आपसे कह रहे होंगे, वो राजनीतिक लोगों की एक कास्ट मानते थे। वो ये कास्ट नहीं मानते थे कि तुम सपा बसपा भाजपा या बसपा के हो, वो कहते थे हम राजनीतिक लोगों की भी एक जात है, एक वर्ग है, तो हमारे निजी काम जरूर होने चाहिए जिससे हम राजनीति में कम से कम अपने घर में मुंह दिखा सकें। बिल्कुल, एक युग का अंत हो जाना और इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में दिया है। इस बीच एक ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस भी तरह की जानकारी यहाँ पर सामने है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कभी किसी जमाने में वो एक शिक्षक की भूमिका भी निभाते हुए नजर आए, और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, उनके पिताजी चाहते थे कि वो पहलवान बने, और एकमात्र राजनीतिक पहलवान ये ऐसे अभी तक डटे रहे हैं, रहे थे, जिन्होंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, सिर्फ समाजवाद पार्टी की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आए। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं उनका, अगर दर्शकों को नहीं पता हो, मैं उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूं, तो हम लोग 18 घंटे साथ में रहते थे। आप उन मुलायम सिंह को जानते हैं जो मंच पर बोलते हैं या बैठ देते हैं, अखबार में छपते हैं या सम्मेलन में बोलते हैं। हम लोग उन मुलायम सिंह को जानते हैं जो सार्वजनिक रूप से मंचों के अलावा जो कार में बैठ के लखनऊ से इटावा आते हुए 4 घंटे बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 50 संस्मरण हैं, और मेरी याददाश्त ऐसी है कि 7 साल की उम्र के बाद की घटनाएं मुझे कंठस्थ रहती हैं। वो जैन इंटर कॉलेज जो सेफई से 3 किलोमीटर दूर है करहल में, वहां वो पढ़े हैं, पर वहां वो पढ़ाए हैं। और चूंकि ये जो विद्यालय होते हैं, ये एडिट वाले होते हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं छुट्टी लेके, गवर्नमेंट वालों को रिजाइन करना पड़ता है तो वो काफी समय तक एज ए एलटी ग्रेड के थे। वो शुभाबाद से उन्होंने बीए किया, फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, फिर एलटी की, फिर टीचर हो गए, तो वो चुनाव लड़े। इतना बता रहा हूं तो शायद कोई नहीं बता पाएगा कि एक बार फर्रुखाबाद से मुझे लगता है कि ये जो हमारी एमएलए और मिनिस्टर रही हैं फर्रुखाबाद से, उनके पिताजी राम नरेश त्रिपाठी, या मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, उनका चुनाव को डीएम ने कैंसिल कर दिया कि आप अध्यापक हैं। और जबकि जैसे मैं आगरा कॉलेज में रहते हुए चुनाव लड़ा हूँ, 6 चुनाव लड़ा हूँ मैं, पिछले महीने रिजाइन किया हूँ। तो कहने का मतलब है कि मुलायम सिंह जी, जब वो पर्चा कैंसिल हुआ तो ये डर में कि कहीं मेरा पर्चा कैंसिल नहीं हो जाए, तब उन्होंने बहुत बाद में
लेक्चरशिप से इस्तीफा दिया, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी एज ए लेक्चरर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे, रीता बागुड़ा जी रही, मैं आगरा कॉलेज में रहा, राजनाथ सिंह जी मिर्जापुर में रहे, तो मुलायम सिंह जी ने फिर जैन कॉलेज से इस्तीफा देकर के फिर फुल पॉलिटिक्स में आ गए थे। और इसके बाद वो मैं ये भी बता दूं कि अपने जीवन में वो केवल दो चुनाव हारे हैं, एक शुरू में 67 या 69 का रहा होगा, फिर 1980 में सशस्त्र से 80 वो जनता पार्टी में कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, 80 में बलराम सिंह यादव से जसवंत नगर का चुनाव हार गए, और उसके बाद चरण सिंह जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और लीडर विधान परिषद में भेजा, विधान परिषद का लीडर बनाया, 85 में वो एमएलए पुनः उसी सीट से जीते, फिर कभी हार का मुंह उन्होंने नहीं देखा, और इसके बाद वो लीडर अपोजिशन विधानसभा हो गए, पार्टी अध्यक्ष हो गए, और 89 में वो जनता दल के चीफ मिनिस्टर हो गए। एक झटका आया 1991 में जब एमएलए 33 या 35 तक सीमित रह गए, लेकिन 93 में सपा बसपा के गठबंधन करने के बाद वो पुनः जो है वो सरकार बनाई, सपा बसपा का गठबंधन टूटा, इसके बाद फिर छोटे छोटे गठबंधन करके वो मुख्यमंत्री बने, 12 में पूर्ण बहुमत पहली बार उनको मिला। बिल्कुल, और इस बीच सर चूंकि आपने जिस तरह से अपने अनुभव साझा किए, इससे समझा जा सकता है कि बहुत करीब से आपने उनको देखा है, बहुत करीब से जाना है और उनके जीवन को जीने की यहाँ पर कोशिश भी की है, लेकिन इस बीच मुलायम सिंह यादव के राजनीति से परे अगर जो दूसरी शख्सियत थी निजी जीवन में, उसे किस तरह से आप अपने हमारे सभी दर्शकों के सामने रखेंगे, क्योंकि कई उतार चढ़ाव है जो मुलायम सिंह यादव ने राजनीति के साथ साथ अपने निजी जीवन में भी देखे हैं। कई बार लगता है कि कुछ नारे हैं जो उनपे फिट होते थे कि जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम सिंह। दूसरा ये था कि जैसे कुछ झटके मैं उनके राजनीतिक जीवन के बताता हूँ, जैसे शुरू के दिनों में एक चुनाव वो हारे जसवंत नगर से, लेकिन फिर जगदीश जीत गए, इसके बाद 80 का चुनाव हारे, लेकिन 2 साल बाद एमएलसी और लीडर अपोजिशन विधान परिषद, 2 साल बाद एमएलए हो गए, लीडर ऑपोजिशन यूपी में विधानसभा के पार्टी का अध्यक्ष हो गए, फिर एक झटका उनको लगा है। मैं पुरानी नई पीढ़ी को बताना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह जी की डेथ हो गई, चौधरी चरण सिंह जी का पदरस्त था और अजीत सिंह जी अमेरिका में थे, वो आए तो लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम्हारे पिताजी की विरासत है, तुमको लीडर होना चाहिए, तो जो मुलायम सिंह यादव 1984 से 89 में लीडर ऑपोजिशन विधानसभा थे, अचानक एक पार्टी में डिवीजन हुआ और मुलायम सिंह जी की जगह अजीत सिंह जी ने सतपाल यादव जो तिलहर से एमएलए हुआ करते थे शाहजहांपुर से, उनको विपक्ष का नेता बना दिया। अब ये बड़ा झटका है कि पार्टी में डिवीजन हुआ, लीडर अपोजिशन से वो हट गए, जबकि संघर्ष वो कर रहे थे, अजीत सिंह जी बाहर थे, लेकिन मुलायम सिंह जी ने क्रांति रथ बना दिया, लीडर अपोजिशन सतपाल यादव है जिनका राजनीति में मतलब उतना नाम नहीं हो पाया, लेकिन हटने के बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और एक रथ बनाया और उसको रथ के लेकर निकले, और 89 का चुनाव इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाते हुए और देश में वीपी सिंह साहब को प्रधानमंत्री बनाते हुए वोट पड़ा था। तो अब देखिए 16 महीने बाद एक झटका लगता है कि 1991 में जो है अलग हो गए, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, वीपी सिंह अलग हो गए, चंद्रशेखर जी मुलायम सिंह अलग हो गए, अजीत सिंह अलग हो गए, तो 91 की राम नहर के चुनाव में शुरू में 33 एमएलए जीते, फिर बाई इलेक्शन के बाद शायद 37 हो गए, तो 37 एमएलए, तो ये लगा मुलायम सिंह जी खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया कि सपा बसपा का गठबंधन किया और 93 में वापसी की, लेकिन फिर 95 में 2 जून को मायावती जी ने समर्थन वापस लिया, वो मुख्यमंत्री हो गई, तो ये एक झटका लगा। लेकिन आप ये देखो कि 96 के चुनाव के बाद 96 और 2002 के बीच में उन्होंने एक सरकार बना ली, फिर 2002 से 7 के बीच में 4 में बना ली और उसके बाद 12 में बना ली, तो उतार चढ़ाव आते रहे। लेकिन एक बात और दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैं बहुत नजदीक रहा हूं, उनका ब्लड प्रेशर 80-120 रहता है, अयोध्या आंदोलन के समय भी 80-120 था, जबकि अपने जीवन के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहे थे, सरकार जाती है डॉक्टर आता है तो ब्लड प्रेशर 80-120 मिलता है, और सरकार शपथ होती है तो डॉक्टर आता है तो 80-120 रहता है, कुल मिला के ही वजह फाइटर जी, वो एक फाइटर है, फाइटर रहे हैं। अब बिल्कुल, अब वो एक फाइटर है और फाइटर के तौर पर ही उन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। सर आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचार साझा किए, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।